हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रिलायंस की जियो कंपनी के तरफ से बहुत ही अच्छी फ्रीलांसिंग जॉब अपडेट आई है। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। जियो कंपनी के इस जॉब में आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम जॉब कर पाएंगे, जिसमें आपको जियो कंपनी की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। वीकली ऑप से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस तक आप लोगों को इस कंपनी में सुविधा दी जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या आप कहीं पर जॉब करते हैं, तो इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें फ्रेंड्स। आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जियो कंपनी में इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और इसकी इंटरव्यू कैसी होती है। आप लोग पूरी वीडियो देखोगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरी वीडियोज़ आप लोग पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आगे भी आप लोग देख सकें। रिलायंस की जियो कंपनी में जॉब करने के लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को जियो करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिंपली इसे ओपन कर लें। जैसे ही आप लोग ओपन करोगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को आधार कार्ड में जो आप लोगों का नेम लिखा हुआ है, वो नेम को आपको फिल करना है। उसके बाद आप लोगों का एक वैलिड ईमेल आईडी यहां पर आप लोगों को फिल करना होगा। उसके बाद एक फ़ोन नंबर आप लोगों को फिल करना होगा। यहाँ पर एक पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप लोग कन्फर्म पासवर्ड कर देना। उसके बाद आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आप लोग यहाँ पर फिल करोगे, उसके बाद प्रोसीड करोगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर सबमिट किया था, वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करके आप लोगों को यहाँ पर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली लॉगिन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को बहुत सारे जॉब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोगों को जॉब देखने को मिल जाते हैं, जैसे फ्रीलांसर जॉब हो गया, कस्टमर सर्विस जॉब हो गया, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जॉब हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन हो गया, यहाँ ऑपरेशंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोगों को जॉब देखने को मिल जाते हैं। आप लोग इसमें क्लिक करके आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग पहले जॉब को अप्लाई करना होगा फ्रेंड्स। तो उसके पहले आप लोगों को प्रोफाइल में क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को एक प्रोफाइल आप लोगों को यहाँ पर बनाना होगा फ्रेंड्स। सिंपली आप लोगों को मतलब एक रिज्यूमे टाइप का बनाना होगा। जैसे यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर कुछ भरना है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आप लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग फिल कर देना। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फिल करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद प्रेफरेंसेस में आप लोगों को यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस, करंट एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स। एजुकेशन में आप लोगों को अपना कॉलेज नेम, आपका स्कूल नेम यहाँ पर आप लोगों को फिल करना होगा फ्रेंड्स। एक्सपीरियंस में आप लोग कहीं पर अगर जॉब कर रहे हो पहले से, तो आप लोग एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल सकते हो, वरना स्किप कर देना। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स, आप लोग कहीं पर पहले जॉब कर रखे हो तो आप लोगों को यहाँ पर ये ऑप्शन को देखना है, वरना इसे भी स्किप कर दो। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका सक्सेसफुली प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली फ्रेंड्स होम में क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग जिस भी जॉब को अप्लाई करना है उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ कि फ्रीलांसर जॉब के लिए हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग फ्रीलांसर जॉब में क्लिक कर देते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रीलांसर जॉब जो है 7684 यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाता है। बहुत ही बड़ा नंबर होता है इतना, 7000 वैकेंसीज जो है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी स्टेट के यहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सभी तरह की आप लोगों को वैकेंसीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप लोग देख लेना स्क्रॉल करके। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को जिस भी सिटी या स्टेट में आप लोगों को जॉब करना है, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली उस स्टेट में आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं बिहार का यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिटेल आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे ये जो जॉब है फ्रेंड्स, आप लोगों को जियो कस्टमर एसोसिएट का जॉब आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोग जियो कस्टमर केयर का आप लोग जॉब करोगे, ठीक है। इसमें आप लोगों का काम क्या रहेगा, वो भी आप लोगों को यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पर आप लोगों को सिंपली जियो के जो भी रिचार्ज होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को कस्टमर को एक्सप्लेन करना है। जियो रिचार्ज ख़त्म हो गया तो वो आप लोगों को उनको बताना है। जियो के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आप लोगों को
कस्टमर्स को बताना है, और या जियो के जितने भी कस्टमर्स हैं उनके जो भी क्वेरीज होगी वो आप लोगों को सॉल्व करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके लिए कंपनी आप लोगों को 15 दिन का ट्रेनिंग भी देती है, तो और भी सारा डिटेल है, आप लोग देख लेना फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग यहाँ स्किल्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्किल्स मांगा गया है, जैसे आपको बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग आना चाहिए, आपको एक स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज बोलना आना चाहिए, आपको कस्टमर हैंडलिंग करना आना चाहिए, ठीक है ना, कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं वो आना चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी टू लर्न होना चाहिए, ठीक है ना, गोल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड आप लोग होने चाहिए, ठीक है। तो ये अभी सबके पास होता है, तो आप लोग सिंपली एजुकेशन में जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हो 10th और 10th+2, मतलब अगर आप 10वीं पास हो या आपने 12वीं कर रखी है तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो एजुकेशन में आप लोगों का क्लियर लिखा गया है, ठीक है। अब मैं एक्सपीरियंस में मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेशर, मतलब यहाँ पर इस जॉब के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, 1 महीना 2 महीना कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेशर हो तो आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोगों को इस जॉब को अप्लाई करना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैसेज शो हो रहा है, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ जियो कस्टमर एसोसिएट। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये जो नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, ये नंबर आप लोगों को कहीं कॉपी पे लिख लेना है, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद जानते हो फ्रेंड्स आपको ईमेल में एक मैसेज आता है, वो मैसेज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, जियो कंपनी की तरफ से हमें एक मैसेज मिला है कि डियर अजय कुमार कर्मकार, थैंक यू फॉर अप्लीकेशन फॉर जियो कस्टमर एसोसिएट। यहाँ पर आप लोगों का नंबर दिया गया, यहाँ पर देखो बताया गया वी विल बी रिव्यूइंग द अप्लीकेशन, मतलब फ्रेंड्स आपके जो भी अप्लीकेशन है वो रिव्यू किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो नंबर है वो नंबर आप लोग नोट करके रख लेना फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से अप्लीकेशन में आ जाना है, उसके बाद आप लोगों को असिस्मेंट में आप लोगों को क्लिक करना है फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों को एक्सेस योर सेल्फ में आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद ये जो सेशन कोड है, यहाँ सेशन कोड में फ्रेंड्स वो आप लोगों को नंबर डालना होगा जो मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉपी में नोट करके रखना, उसके बाद आप लोगों को सिंपली सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को एक OTP जाएगा आपके नंबर पे, वो OTP को आप लोगों को फिर यहाँ पर फिल कर लेना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप लोग OTP को फिल करोगे, उसके बाद आप लोगों का शेड्यूल टेस्ट में आप लोगों को क्लिक करना है फ्रेंड्स, उसके बाद अपना टेस्ट को आप लोग शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है, अपने टाइम वाइज आप लोग टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है ना, तो वो आप लोग कर लेना फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप लोगों को वीडियो इंटरव्यू होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को वीडियो इंटरव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को डिटेल आप लोगों को बताया जा रहा है, मैं बताने वाला हूँ। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो अगर आप वीडियो इंटरव्यू देते हो, यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू वीडियो इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो आप लोगों को फ्रेंड्स एकदम खाली जगह पे बैठना है, एकदम क्वाइट बैठना है, ठीक है, एकदम सीधा बैठना है, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग जब कैमरे के सामने बैठोगे तो आपका दोनों जो शोल्डर है वो कैमरे में विजिबल होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो भी देख लेना फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देख लेना, वरना आपका जो अप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, HR जो है जियो के वो रिजेक्ट भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू देना, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो और बताया जा रहा है कि आप जब बैठोगे इंटरव्यू के लिए तो आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है, या हल्का लाइट कलर का कोई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को जो आंसर दोगे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे एकदम धीरे आवाज़ में आप लोगों को देना है, ठीक है ना, मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स ओके पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को सारा डिटेल आप लोगों को इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप लोगों को प्रोसीड पे क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा जो 90 सेकंड का होता है, ठीक है ना। उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को खुद के बारे में बताना है, अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में कुछ बताना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा जाएगा कि आप जियो के एसोसिएट क्यों बनना चाहते हो, जियो के साथ क्यों काम करना चाहते हो, तो वो आप लोगों को बता देना है फ्रेंड्स कि जियो बहुत बड़ी कंपनी है, मैं इस कंपनी में जॉब करके अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बताना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अपने लाइफ में आपने क्या अचीवमेंट किया है, तो जो आपके लाइफ का कोई गोल्डन मोमेंट होगा या जो भी आपने अचीवमेंट किया होगा कहीं भी बड़ा चीज़, जैसे मैं कहीं जॉब करता था तो मुझे वहाँ पर रिवॉर्ड मिला था, तो वो उस टाइप का अचीवमेंट आप लोग अपने लाइफ में कुछ हुआ है तो वो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यू वांट टू गेट अ न्यू स्मार्टफोन, हाउ विल यू कन्विंस योर पेरेंट्स फैमिली टू गेट इट फॉर यू,
मतलब आप अगर एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे? तो आप लोगों को बस सिंपली आंसर दे देना है कि स्मार्टफोन का यूसेज क्या होता है, स्मार्टफोन से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्मार्टफोन से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, स्मार्टफोन से हम कैसे दुनिया को देख सकते हैं, वो आप लोगों को डिटेल बता देना इंटरव्यू। तो आप लोगों का सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।